तो थ्री इडियट मूवी में ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। मेरे पढ़ाई के चक्कर में काफी सारा जमीन बिक गई। जमीन नहीं है क्या करेंगे, जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन लेके क्या करेंगे। ये है डोली चायवाला जो कि 10th फेल है और ये बिना कोई डिग्री लिए और बिना कुछ पढ़े बिल गेट के साथ कोलैब करता है और यहाँ तक कि डोली रोल्स रॉयस में और लैम्बोर्गिनी में घूमता है और डोली खुद बोलता है कि देखो पहले मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। और आप हर दिन इस उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हो ताकि एक नौकरी पा सको, लेकिन बदले में आप लोगों को क्या मिल रहा है, यही नीट स्कैम और क्वेश्चन पेपर लीक। और आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि डॉली हाल फिलहाल फॉरेन कंट्रीज में घूम रहा है और आप क्या कर रहे हो, बस पढ़ाई। और इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप अपने आप से यही सवाल करते हो और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और अब इनसे मिलिए, ये है वड़ा पाव गर्ल। इन्होंने भी एक साल के अंदर डॉली को टक्कर दे दिया और इतना पैसा कमा लिया कि मस्टैंग से आ रही है वड़ा पाव बेचने। और कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि ये मंथ के 5 लाख कमा रही है। और आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके नौकरी पा सको, या फिर आप हर दिन जॉब पर जा रहे हो एंड उस नौकरी या फिर जॉब का जो सैलरी है उस हिसाब से डॉली का रोल्स रॉयस और वड़ा पाव गर्ल की मस्टैंग आप कब खरीद सकते हो, जरा कैलकुलेट कर लेना। और आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के लिए सालों साल तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हो। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। और इधर अंजलि अरोरा, डोली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, एलवी यादव और भी कई सारे हैं जो अंधा पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ हो आप जो बचपन से जवानी निकाल देते हो सिर्फ पढ़ाई करते करते, और इसी वजह से आप डोली या वड़ा पाव गर्ल जितने पैसे आप सिर्फ सपने में ही देखते हो क्योंकि रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। और इन सब पीछे का एक ही कारण है और वे है हम लोगों का इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसना। और इस ट्रैप में आप फंस नहीं रहे हो बल्कि आपको फंसाया जा रहा है। और ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी है ही नहीं बल्कि पर्शियन की एजुकेशन सिस्टम, जिसको पर्शियन लोग ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था बल्कि इसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए और सवाल ना पूछने के लिए और सिर्फ ऊपर बैठे लोगों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाया गया था। आप स्कूल कॉलेज से पास आउट हो, जॉब करो, ऑर्डर फॉलो करो और 60 साल के बाद मर जाओ, पर यही चाहते थे ये लोग। और इन्हीं सब के कारण आप अंत में या फिर एक एवरेज जॉब कर रहे होते हो या फिर बेरोजगार होते हो।